गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी दैट इज कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ओके, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 20, पहला कंपनी एच, दूसरा एस लिमिटेड। यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपया वाला शेयर है, तो इसका 5,50,000 शेयर, इसका 2,20,000 शेयर, रिजर्व सरप्लस, यहाँ भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल टोटल देखिए मैच कर रहा है। फिक्स्ड एसेट्स दोनों के पास है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट में दे रहा है, हम लोग 60% शेयर परचेज किए हैं एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड का 20,000 शेयर है, तो इसका मतलब हम लोग 12,000 शेयर को एक्वायर किए हैं 162,400 में। तो इसका मतलब एच लिमिटेड एस का मोर देन 50%, दैट इज 60% शेयर एक्वायर किया है। तो एच लिमिटेड हो गया होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड हो गया सब्सिडियरी कंपनी, खरीदे है 162,400 में। इसके अलावा यहाँ देखिए एक अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये 6,000 रुपया एस के घर में है, तो जैसे ये 85,000 प्रॉफिट था तो ये 6,000 रुपया लॉस है। क्लियर है? यहां देखिए नोट्स टू अकाउंट में दिखा रहा है कि जो रिजर्व सरप्लस में 85 था उसमें जनरल रिजर्व 50,000 था और सरप्लस अकाउंट में 35 था, दोनों मिलके 85 हुआ है। एच लिमिटेड जिस दिन शेयर एक्वायर किया था दैट इज साल के शुरू में 1 अप्रैल 19, जनरल रिजर्व में आपका 40,000 था, जबकि बैलेंस शीट में यहाँ देखिए 50,000 है। जनरल रिजर्व ओपनिंग 40,000 है, बैलेंस शीट में 50,000 है। 40,000 हो जाएगा प्री अ करेंट ईयर का 10,000, दैट इज जनरल रिजर्व 40 था, अंदर 50 है, तो इसका मतलब 10,000, ये हो गया करेंट ईयर, ये हो गया प्री। यहाँ देखिए सरप्लस, यहाँ बैलेंस शीट में 35 है, यहाँ देखिए सरप्लस अकाउंट में वो बोल रहा है 80,000 था, सरप्लस अकाउंट में 80,000 था, जबकि यहाँ 80 से कम है, 35 है, तो इसका मतलब करेंट ईयर में उसको 45 का लॉस लगा है। ओके, तो ये 80,000 प्री प्रॉफिट होगा और ये 35 बचा हुआ है, तो 45 करेंट ईयर उसको लॉस लगा है। प्लस ये जो 6,000 रुपया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये पुराना बैलेंस है। देखिए यहाँ लिखा है नो पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वॉज रिटेन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जैसे है वैसे ही रख दिया गया है, कोई भी उसका पार्ट को करेंट ईयर में राइट ऑफ नहीं किया है। इसका मतलब ये ओल्ड बैलेंस है, पुराना है, तो ये पूरा का पूरा प्री होगा। आज चूंकि ये एक्सपेंसेस है तो लॉस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? यहां देखिए बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है? तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग एक नंबर वर्किंग करते हैं, शेयर ऑफ होल्डिंग। शेयर ऑफ होल्डिंग में हम लोग सामने वाला कंपनी का 60% दैट इज 12,000 शेयर एक्वायर किए थे, टोटल 20,000 था, 60%। अगर हम लोग 60% है तो शेयर ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी वाला 8,000 शेयर एक्वायर किया, 20,000 शेयर था, 100 वो हो गया 40%, ठीक है? दो नंबर वर्किंग लाएंगे, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में एक होता है प्री, दूसरा पोस्ट। जिस दिन शेयर एक्वायर किया गया वो प्री होगा, दैट इज एग्जांपल में देखिए आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 19 साल के शुरू में 40,000 था, वो हो गया प्री। बैलेंस शीट के अंदर 50,000 है, तो करेंट ईयर 10,000 रुपया बढ़ गया, 10,000 को दिखा दिए पोस्ट। सरप्लस अकाउंट 1/4/19 को 80,000 था, उसको रख दिए प्री। करेंट ईयर बैलेंस शीट के अंदर 35,000 है, तो इसका मतलब करेंट ईयर में 45 का लॉस हुआ, उसको रख दिए पोस्ट। इस चीज को आप समझ लो पहले। यहां देखो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में 50,000 है, साल के शुरू में जनरल रिजर्व देखिए 40,000 है,
40,000 प्री और जो 10,000 बढ़ गया वो पोस्ट। यहाँ देखिए सरप्लस 35 है, साल के शुरू में 80,000 है, 80,000 प्री और यहाँ से कम हो गया 45, पोस्ट में लॉस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एनालिसिस में आएगा, प्री में आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का कोई हिस्सा करेंट ईयर में राइट ऑफ नहीं हुआ है, इट मीन्स ये पुराना ही है। तो यहाँ आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस चूंकि लॉस होता है इसलिए उसको ब्रैकेट में रख दिए 6,000। इसको अगर ऐड करते हो आप 35,000 निगेटिव होता है, ये 114 पॉजिटिव होगा। इसमें से हम लोग माइनॉरिटी को हिस्सा दे देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40% है, यहां से 45 600 मिल गया उसको, ठीक है 45 600, 114000 का 40% दे दिए 45 600, तो मेरे लिए प्रॉफिट 68 400 बच गया। यहां से 40% उसको 14,000 रुपया दे दिए, ये 35,000 लॉस के रूप में था, इसमें से 14,000 लॉस उसको दे देंगे तो मेरे लिए लॉस बचेगा आपका 21,000। 35,000 का 40% 14,000 देने के बाद 21 बचेगा, तो ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट दे दिए तो थोड़ा प्रॉफिट बचा, लॉस था लॉस दिए तो लॉस थोड़ा सा मेरे लिए कम हो गया। ओके, इसके बाद वर्किंग नंबर 3 आता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आएगा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग उसका जो शेयर एक्वायर किए थे तो उसका शेयर कितना में परचेज किए थे, 162,400, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में लेंगे 162,400, माइनस होगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब हम लोग 12,000 शेयर लिए थे, तो 12,000 शेयर का पेड अप वैल्यू 120, माइनस होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट यहां देखिए 68,400 है, तो ये हो गया 188,400, ये 400,400 गया, तो यहां पे बच गया आपका 26,000। ये 26,000 जो बच गया, दिस विल बी कैपिटल रिजर्व, क्लियर। इसके बाद वर्किंग नंबर 4 होगा माइनॉरिटी लोग का क्लेम निकालेंगे, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, उनके पास जो शेयर था उसका पेड अप वैल्यू, उनके पास 8,000 शेयर था तो 80,000 प्लस प्री एक्विजिशन, अब प्लस पोस्ट एक्विजिशन। अगर प्री का बात करिए तो प्री में प्रॉफिट था, पोस्ट में लॉस था, तो प्री में प्रॉफिट है 45,600 और ये लॉस है 14,000, ठीक है। तो इसमें से हो गया आपका 11,600 होगा शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, 80,000 प्लस 45,600 और माइनस 14,000, दैट इज 111,600। इसके बाद वर्किंग नंबर 5 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है नहीं, वर्किंग नंबर 5 करते हैं कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में अपना जनरल रिजर्व, अपना जनरल रिजर्व था 1,00,000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन। ओके, पहले आप अपना जनरल रिजर्व देख लीजिए, होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व 1,00,000 है। अब पोस्ट एक्विजिशन देखना है तो आपको वर्किंग नंबर 2 में जाना होगा। वर्किंग नंबर 2 में देखिए, ये है जनरल रिजर्व का पोस्ट, तो 10,000 तो हमको पूरा मिलेगा नहीं, हमको तो 60% मिलेगा, तो 10,000 का 60% 6,000, तो ये हो गया 106, क्लियर। और लास्ट वर्किंग करते हैं कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड सरप्लस। कंसोलिडेटेड सरप्लस ऐसे ही होगा, अपना सरप्लस, अपना सरप्लस आप देख लीजिए 60,000 है, ओन सरप्लस इज 60,000,
अपना सरप्लस 60,000 एड पोस्ट, पोस्ट में देखिए आप यहाँ पे 21,000 लॉस है। इसमें जनरल रिजर्व का सेपरेट ट्रीटमेंट हो चुका है तो हाँ पोस्ट में हम लोग का 21,000 लॉस था और जनरल रिजर्व 6,000 अलग हो गया, दैट इज 27,000 हो गया 87। ओके तो ये हो गया हम लोग का वर्किंग। सबसे पहले शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी, जनरल रिजर्व 40,000 शुरू में था, प्री बैलेंस शीट में 50,000 था तो 10,000 रुपया पोस्ट में दे दिए। सरप्लस अकाउंट 80,000 था, प्री बैलेंस शीट में कम था तो पोस्ट में लॉस के रूप में दे दिए। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लॉस होता है, ऐड करके माइनॉरिटी माइनस कर दिए। वैल्यू हम लोग उसका शेयर 162 400 में खरीदे थे, पेड अप वैल्यू 12,000 शेयर का। अब प्री 68,400, यहाँ देखिए 26,000 हम लोग का कैपिटल रिजर्व आया। माइनॉरिटी लोग के पास 8,000 शेयर है 80,000 का, एड प्री प्रॉफिट मिला है, अब पोस्ट में लॉस मिला है तो इसका आ गया 111,600। जनरल लीजर हम लोग का 1,00,000 था, यहाँ 10,000 से 60% लाए 6,000। सरप्लस हम लोग का 60,000 था, यहाँ से 21,000 सरप्लस आया, 6,000 जनरल लीजर का माइनस किए तो लॉस बढ़ गया। ओके यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये लॉस के रूप में है, निगेटिव है, तो वो निगेटिव होने के चलते ये आपका 33 है। ठीक है, बैलेंस शीट में ये रिजर्व सरप्लस में जाएगा, ये रिजर्व सरप्लस में जाएगा, और यहाँ देखिए कैपिटल रिजर्व आया है, ये रिजर्व सरप्लस में जाएगा। ठीक है, चलिए इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके ये रख दिया आपके सामने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। लायबिलिटी में सबसे पहले हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर आएगा आपका शेयर होल्डर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें एक नंबर होगा आपका शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी वाला लिखेंगे, सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल इलिमिनेट हो चुका है। दो नंबर आएगा आपका रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, अगर आपको याद हो तो कैपिटल रिजर्व 26,000 आया था, इसके अलावा जनरल रिजर्व 106 था, जनरल रिजर्व 106,000 और सरप्लस 33,000, तीनों मिला दीजिए 165। कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस मिला दिए, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिवेंचर आता है जो बैलेंस शीट में है ही नहीं। सी नंबर आपका करेंट लायबिलिटीज, अ करेंट लायबिलिटीज में आएगा ट्रेड पेएबल, और इसके अलावा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इसी घर में रखते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके आपको हम ट्रेड पेएबल दिखाते हैं, ये देखिए ट्रेड पेएबल 80,000 और 60,000, अपना शेयर कैपिटल 5,00,000 था, 80 और 60 दैट इज 140,000। अच्छा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग हुआ था, यहाँ देखिए 111,600, बस इसको यहीं पे प्लस कर देंगे, दिस विल बी टोटल। ओके इसका टोटल आया 916,600, ये हो गया लायबिलिटी। अब आते हैं एसेट्स की तरफ, एसेट्स में ए नंबर आएगा आपका नॉन करेंट एसेट्स में आएगा फिक्स्ड एसेट्स, अब फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, यहाँ देखिए फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, ये दोनों प्लस कर देंगे 4,00,000, आ इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाता है, सामने वाले का शेयर कैपिटल कैंसिल होता है, अपना इन्वेस्टमेंट, तो टेंजिबल एसेट्स आपका लिख दिए 4,00,000। ओके बी नंबर लाएंगे करेंट एसेट्स में देखिए कोई आइटम का नाम नहीं है, ये देखिए 277,600 आप प्लस, ये देखिए 239,000, इस दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, और ये तो हम लोग एनालिसिस में यूज कर लिए। ओके वो दोनों प्लस किए
516 600। अब इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 916 600, दिस इज आवर टोटल। ये टोटल देखिए ऊपर वाले टोटल से मैच कर रहा है, इसका मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सही बना है। ठीक है, उम्मीद करते आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।